आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, जिसके लिए मैंने ये वाली एक कटोरी बेसन ली है जिसको अच्छे से छान दी है, आधी कटोरी घी है, 100 ग्राम मावा है। सबसे पहले हम पैन गरम करके इसके अंदर मावा को सेक के रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसी पैन में हम बेसन सेकेंगे। मावा को मैं लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। ये जैसे ही ये पैन छोड़ेगा वैसे ही हम इसको एक ट्रे में निकाल के रख देंगे। मावा बहुत अच्छे से सिक गया, ये देखें इसका एक लड्डू बन गया। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल रही हूँ और फिर हम लो फ्लेम पर ही बेसन को सेकेंगे। बेसन को मैंने लो फ्लेम पर 10 मिनट तक अच्छे से सेक लिया, ड्राई रोस्ट किया है। अब इसके अंदर ये आधी कटोरी घी डाल के और अब इसको हम अच्छे से सेकेंगे। बेसन को मैंने लो फ्लेम पर आधा घंटे तक बहुत अच्छे से सेका। अब इसका कलर बहुत अच्छे से आ गया और बेसन भी बहुत अच्छे से सिक गया। अब इसके अंदर हम पानी के छींटे देंगे। बेसन में हम पानी के छींटे इसलिए दे रहे हैं जिससे कि हमारी बर्फी बिल्कुल दानेदार बनेगी। इसमें ये सिका हुआ मावा और छोटी इलायची, इसको भी मिक्स कर दें और गैस बंद कर दें। बेसन और मावा सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बेसन बहुत अच्छे से सिक भी गया। अब हम चाशनी बनाएंगे। आधी कटोरी चीनी स्वाद अनुसार और इसी का ही 1/4 भाग पानी डालें। एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसको बर्फी में डालेंगे। अब हम चाशनी को सीके हुए बेसन में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको ग्रीस किए हुए ट्रे में डाल रही हूँ और अच्छे से सेट कर दूंगी बर्फी को।
बर्फी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद फिर कटिंग करेंगे। बर्फी ने रेस्ट कर ली है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बर्फी बनी है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।